ये जन सैलाब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया है और इनका कहना है हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बातों को नहीं मान लिया जाता है, और सरकार से गुहार कर रहे हैं, यूपी सरकार से, केंद्र सरकार से, क्योंकि दोनों सरकारों को इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। आइए ऐसे ही एक हमारे बीच में अध्यापक जो बहुत अरसे से इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। सर आपका नाम? ब्रजेश चौहान, बदायूं से। सर आप किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हम अपने मान सम्मान के लिए पाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी जो हम शिक्षा मित्र में तैनात थे और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा हमारा समायोजन रद्द कर दिया गया है, उस समायोजन रद्द करने के लिए हम लोग सड़क पर आ गए हैं। और उस समायोजन रद्द में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि राज्य सरकार इनको रियायत दे के इनके साथ सहानुभूति बरतते हुए कुछ कानूनों में संशोधन करते हुए जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है वो इनके लिए अध्यापक पद पर बना सकती है। चौहान साहब, कहा जाता है कि ये राष्ट्र के निर्माण में अध्यापकों का और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जिस देश का अध्यापक अगर भूखा होगा तो वो हमारे देश के भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य सुरक्षित है वो अध्यापकों में ही है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी तैयार होती है उसका रास्ता, जो बच्चों का रास्ता है वो अध्यापकों के द्वारा ही, अध्यापकों के ही माध्यम से निकल के जाता है। जिस देश का बच्चा अगर योग्य होगा, उस देश की पीढ़ी योग्य होगी, उस देश का ही भविष्य जो होगा वो उज्जवल होगा, और वो ही देश एक भविष्य का अच्छा निर्माण करेगा, और वो ही देश एक विश्व गुरु बन सकता है। क्या कारण है कि आपको अब ये अयोग्य घोषित किया जा रहा है 18 साल बाद? देखिए, इसमें जो कमी रही थी वो हमारे कहीं राजनीति से थोड़ा बहुत प्रेरित रही है, क्योंकि इन्होंने जो हम लोग जो 2001 से कार्यरत हैं, 17 साल हमको यहाँ पर इस विभाग में कार्य करते हुए हो गया है, उसमें एक आरटी द्वारा 2000 निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था, उसमें एक प्रावधान छोड़ा गया था कि जो लोग इसमें शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनको अध्यापक पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। हम लोग भी 2009 से पहले से कार्य कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को जोड़ा गया है कि उसमें जो रेगुलर टीचर है, जो पैरा शिक्षक है, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का है शिक्षा मित्र है वो पैरा टीचर के अंतर्गत आता है। केवल उसमें एक शब्द लिखने से भूल गए हैं, उसने पैरा टीचर को वहाँ पे खोल दिया है, उसमें उन्होंने शिक्षा मित्र को व्याख्या के तहत नहीं जोड़ा गया है। अगर केंद्र सरकार उस आरटी एक्ट में अगर पैरा टीचर में ऑब्लिक शिक्षा मित्र को जोड़ दिया जाता है तो हम भी उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा से दूर हो जाएंगे, और जिसके तहत उन्होंने हमको अयोग्य कहा गया है, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये अयोग्य इसलिए हैं कि उस मानक के अनुसार इनमें ये कमी है, जबकि वो कमी मानव संसाधन मंत्रालय की, उसमें हम उसको त्रुटि मान सकते हैं। तो मैं इस जंतर मंत्र पर बोई आवेदन, बोई निवेदन, बोई प्रार्थना, बोई विनय लेके आया हूँ कि जो इसमें कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को दूर करते हुए, उसमें एक संशोधन करते हुए हमारी रोजी रोटी को बचाया जाए, हम भूखे पेट जो मर रहे हैं सड़कों पर उसको बचाया जाए, जो हम आत्महत्याएं कर रहे हैं उनको बचाया जाए, और हमारे लिए ऐसा मान सम्मान वापस दिया जाए जो हम भविष्य का निर्माण कर सकें, उन बच्चों के लिए शिक्षा दे सकें, उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, जो हम अन्य देशों की एक बराबरी कर सकें, उनकी कंपटीशन में हम उनसे कहीं आगे निकल सकें। चौहान साहब, आप अपने आप को अपमानित कहाँ समझ रहे हैं? हम अपने आप को आज सब भारतवर्ष में पेट एक सबसे बड़ी चीज होती है, जो पेट की एक आग ऐसी होती है जिसको बुझाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। हमारा भी परिवार है, हम यहाँ से बहुत ओवर एज हो चुके हैं, हम दूसरा रोजगार नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने 17 साल का इसमें सेवा दी है, तो मैं अपने परिवार को अपनी पेट की भूख आग बुझाने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता होती है। हमारा जो वेतन था वो 40,000 था, आज वेतन हमारे लिए मानदेय के रूप में 10,000 दिया जा रहा है, हमें उनके द्वारा हमारी पेट की आग नहीं बुझ सकती, हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती, तो मैं मान सकता हूँ हमारे लिए जो वेतन नहीं मिल रहा है, जो हमको मानदेय मिल रहा है उसके द्वारा हमको अपमानित किया जा रहा है, उसके द्वारा मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। धन्यवाद।